हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डाइमेंशंस की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज़ टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन। सो कल हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, जिसकी हेल्प से डाइमेंशंस को एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। तो देखिए क्या है। अब सेकंड एप्लीकेशन को समझने के लिए, यानी इसके साथ में वर्क करने के लिए, किसी भी फिजिकल रिलेशन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल गिवन है। तो हमें पहले वो प्रिंसिपल समझना होगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल को बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं इसको। क्या मीनिंग होता है इसका, देखिए यहां वर्ड आया है होमो, है ना। तो होमो का मीनिंग आप मानकर चलिए कि सेम होना, ठीक है। होमो जो टर्म है इस जगह पर, इसका मीनिंग मानिए आप, ये समझिए कि इसका मीनिंग है सेम होना। तो जैसे आपको कोई भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी टर्म गिवन है, सॉरी इनफैक्ट कोई फिजिकल रिलेशन गिवन है, मैं एक कोई फिजिकल आपको रिलेशन देकर एग्जांपल देता हूँ। देखिए लेकर, फॉर एग्जांपल मेरे पास में इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपल सा एग्जांपल हम इसको समझने के लिए लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिलेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। सबसे पहले हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन में ये पता करना होगा टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं। देखिए कितनी टर्म्स है इस रिलेशन के अंदर, यहाँ एक टर्म फाइनल वेलोसिटी है ना, सेकेंड टर्म इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद थर्ड टर्म एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यहाँ पर ये तीन टर्म्स है, v, u एंड a और t की मल्टीप्लीकेशन। डोंट थिंक दैट a एंड t आर टू सेपरेट टर्म्स, नो, सेपरेट टर्म्स नहीं है वो, a की t से मल्टीप्लाई हुई है, तो इसको हम यहाँ पर एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। इस बात को आप आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ टोटल थ्री टर्म्स हैं। सो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशन होगा, उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी उनके जो डाइमेंशंस हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, डाइमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन ए फिजिकल रिलेशन, डाइमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन ए फिजिकल रिलेशन इफ आर सेम, देन दैट रिलेशन is dimensionally correct। आप मानकर चलिए कि सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ है वो यही है, ये आपको समझ में आया। आप हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल। Dimensions of each term in a physical relation if are same, हर term के dimensions अगर किसी physical relation में same है, तो हम उस relation को dimensionally correct relation कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तीन terms थी यहाँ, v, u और
ए मल्टीप्लाइड बाई टी, ये थ्री टर्म्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी, इसके डाइमेंशंस यहाँ हम शो करेंगे। एंड आई होप दो लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। सो आपको डाइमेंशंस की, इन टर्म्स के डाइमेंशंस की अच्छी खासी नॉलेज अब होगी। जैसे कि वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, लेंथ है, तो एल टाइम के लिए नीचे टी रखेंगे और टी को ऊपर रखेंगे तो एल टी माइनस वन। सो यहाँ पर मैंने इस वेलोसिटी के डाइमेंशन शो किए एल टी माइनस वन। उसके बाद सेकेंड टर्म इस जगह पर है यू, यू क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो इसके डाइमेंशंस क्या होंगे, एल टी माइनस वन, ओके। इसके बाद थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म के अंदर देखिए एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब एक्सेलरेशन एक्चुअल में है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। एक बार मैं इसके एक्सेलरेशन के डाइमेंशंस को यहाँ आपको कैलकुलेट करके शो कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों को आप में से पता भी होगा क्योंकि ये हमने डिस्कस किए हैं पहले। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, ये मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी है या वेलोसिटी है, डाइमेंशंस क्या रहेंगे, सेम जिसके डाइमेंशंस वेलोसिटी के हम शो कर चुके हैं, दिस विल बी एल टी माइनस वन, ओके। ये किसके लिखे गए हैं, चेंज इन वेलोसिटी के, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विच इज टाइम, है ना। सो टी डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल या टाइम, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे एल टी माइनस टू, तो यहाँ एक्सेलरेशन के डाइमेंशंस होंगे एल टी माइनस टू। सो यहाँ एक्सेलरेशन के डाइमेंशंस मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एल टी माइनस टू, देयर आफ्टर टाइम से और मल्टीप्लाई करना आपको, सो टाइम के डाइमेंशंस होंगे सो मल्टीप्लाइड बाई टी। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डाइमेंशंस क्या होंगे, एल टी माइनस वन, ओके। सो प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक फिजिकल रिलेशन में हर जो टर्म आई हुई है ईच टर्म के डाइमेंशन सेम होंगे तब वो रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एल टी माइनस वन, यहाँ पर इस टर्म का भी एल टी माइनस वन, और जो थर्ड टर्म है इसके डाइमेंशंस भी क्या है, एल टी माइनस वन, तीनों टर्म्स के डाइमेंशन सेम है। तो इस रिलेशन के बारे में आप इस बारे में श्योर हो सकते हैं कि ये रिलेशन एटलीस्ट डाइमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अब हम इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल रिलेशंस जो फिजिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनकी डाइमेंशनल करेक्टनेस के बारे में पता करेंगे, ठीक है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके बाद से हमारे पास एक रिलेशन और भी आता है, ये भी आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया होगा, इसकी करेक्टनेस भी आप बताइए। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इसकी डाइमेंशनल करेक्टनेस पता करेंगे। सो इज इट डाइमेंशनली करेक्ट, देखिए कितनी टर्म्स है, पहले तो ये क्लियर करें, S एक टर्म है, यू टी सेकेंड टर्म है इसके अंदर, ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वेयर ये है थर्ड टर्म। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन तीनों टर्म्स के डाइमेंशंस सेम होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है तो उसके लिए तो यूज़ होगा L, ओके। उसके बाद से इक्वल्स टू U वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डाइमेंशंस क्या होंगे L T माइनस वन। उसके बाद टाइम है सो टाइम के लिए यूज़ करेंगे T प्लस हाफ के कोई डाइमेंशंस नहीं होंगे, ठीक है।
एक्सेलरेशन के डाइमेंशन जस्ट अभी स्टडी किए, एल टी माइनस टू टी स्क्वेयर, टी है टाइम यहाँ पर, सो टी रेज टू द पावर टू क्योंकि स्क्वेयर हुआ था. ओके, सो लेफ्ट साइड में देखिए एल इक्वल्स टू इस टर्म के डाइमेंशंस, यू टी के डाइमेंशंस जब आप सोल्व करेंगे, टी माइनस वन था ये टी प्लस वन है, तो यहाँ एल लेफ्ट रहेगा प्लस, यहाँ पर टी की पावर प्लस टू थी ये माइनस टू है, तो यहाँ पर भी क्या लेफ्ट रहेगा एल. सो ईच टर्म के डाइमेंशंस यहाँ इक्वल है, यानी ये रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है. अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. सपोज करिए आप एक मिनट के लिए कि रिलेशन आपको एस से गिवन ना होकर अगर एस से गिवन होता, कैसे, एस इक्वल्स टू कंपेरिजन करिए, एस से गिवन होता यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर, ठीक है. अब मैं आपको बोलता कि आप इस रिलेशन की डाइमेंशनल करेक्टनेस पता करिए, ये रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते. और अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है एस, तो उसके लिए एल का यूज़ होगा, ये अभी जस्ट हमने सोल्व किया था, इक्वल्स टू यू टी, इस टर्म के डाइमेंशंस हमने जस्ट अभी सोल्व किए हैं, तो इस टर्म के डाइमेंशंस भी क्या बने थे, यू टी के एल, सो ये भी एल हुए. प्लस यहाँ हाफ जो आया हुआ था उसके कोई डाइमेंशंस नहीं थे, ए टी स्क्वेयर के डाइमेंशंस हमने सोल्व किए थे ए टी स्क्वेयर के, वो भी एल थे, तो इसका मतलब रिलेशन ये भी डाइमेंशनली करेक्ट है. दिस रिलेशन इज ऑल्सो डाइमेंशनली करेक्ट, और ये रिलेशन भी डाइमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल. दोनों रिलेशन भले ही डाइमेंशनली करेक्ट हो, बट ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, नॉट फिजिकली करेक्ट. या फिजिकली इनकरेक्ट है ये रिलेशन, क्योंकि आपने नाइन्थ में पढ़ा है रिलेशन होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है. सो आप एक बात ये मानकर चलिए कि जो रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है, जैसे डाइमेंशनली तो ये भी करेक्ट था, जरूरी नहीं कि वो रिलेशन फिजिकली भी करेक्ट हो, ठीक है. लेकिन जो रिलेशन फिजिकली करेक्ट है वो रिलेशन ये श्योर है कि डाइमेंशनली करेक्ट होगा. दोबारा सुनिए, जो रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है, अब ये रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है फिजिकली करेक्ट हो, हमें पता है कि यहाँ पर हाफ और आएगा तब ये करेक्ट होगा फिजिकली, बट डाइमेंशनली तो करेक्ट है. तो जो डाइमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं फिजिकली करेक्ट हो, बट जो रिलेशन फिजिकली करेक्ट है वो डाइमेंशनली 100% करेक्ट होगा, ठीक है. तो एक बात हमने यहाँ से नई ये सीखी. अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं एक और रिलेशन के बारे में, आप बताइए मुझे ये करेक्ट है या नहीं. रिलेशन है टी इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी. ये रिलेशन एक्चुअल में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, अगर आपको पता है अच्छी बात है पहले से, अदरवाइज मैं आपको बताऊं इसमें हर टर्म के बारे में. जैसे यहाँ टी है, टी शो करता है किसको, टाइम पीरियड को, ओके. एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये लेंथ होती है, ठीक है. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टू पाई जो आया हुआ है वो एक कांस्टेंट है. तो अब आप मुझे बताइए कि रिलेशन डाइमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो कैसे करेंगे. पहले लेफ्ट साइड को देखिए, ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या आया है, टी. तो लेफ्ट साइड के लिए जो डाइमेंशंस होंगे वो तो टाइम के लिए तो टी ही रहेगा, ठीक है. अच्छा, इक्वल्स टू चेक करते हैं इक्विवेलेंसी. अच्छा, जो टर्म आई है यहाँ टू पाई, इसके तो कोई डाइमेंशंस नहीं होंगे, पीछे लेक्चर में मैंने आपको बताया था टू पाई इसके तो
कोई डायमेंशंस नहीं होंगे किस, क्योंकि इनको क्या बोल लेंगे, इनको बोल लेंगे नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, ठीक है, तो इसके तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। आगे चलते हैं, रूट ऑफ एल है यहाँ लेंथ, तो लेंथ के लिए डायमेंशंस कैसे शो करेंगे, कैपिटल एल डिवाइडेड बाई जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पीछे हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, देखिए एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या थे, एल टी माइनस टू, सो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके डायमेंशंस रखेंगे एल टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, इनके डायमेंशंस रख दिए, लेकिन इस सारे का रूट था, तो रूट था तो मतलब इस कंप्लीट की पावर कितनी होगी, वन बाई टू, ठीक है। राइट साइड को सोल्व करते हैं, अब यहाँ एल से एल तो कैंसिल हुआ, लेंथ कैंसिल हो गई, इस टी को जब आप ऊपर रखेंगे तो ये हुआ टी की पावर प्लस टू, क्योंकि नीचे तो माइनस टू था, और फिर आपको उसका क्या करना है, रूट लेना है। सब यहाँ टू से ये टू कैंसिल होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू टी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड के डायमेंशंस टी, राइट साइड के डायमेंशंस टी, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, देखिए जैसे एक टाइप उनकी प्रॉब्लम्स को पूछने की ये होती है, जैसे एक फेमस रिलेशन है काइनेटिक थ्योरी का, उस पर काफ़ी बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो वंडरवॉल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जैसे पी प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई टी। लेट आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये कोई इक्वेशन गिवन है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब इसमें सभी टर्म्स के पहले आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। पी क्या है, यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, कैपिटल वी जो सिंबल यूज़ हुआ है यहाँ पर, वो किसके लिए यूज़ हुआ, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वी आया हुआ है ये, दिस इज़ ऑल्सो कैपिटल वी, सो ये भी वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, आर, आर को बोलते हैं गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद टी जो सिंबल यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ, टी सिंबल यूज हुआ है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम इस कैटेगरी के अंदर आपसे वो दो तरह से पूछ सकते हैं, एक मैं डिस्कस कर चुका, कोई भी रिलेशन आपको गिवन मिलेगा और उस रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा वेदर इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। सेकंड, वो आपको कोई भी फिजिकल रिलेशन देंगे, जैसे ये रिलेशन गिवन था, उस फिजिकल रिलेशन में आपको कोई कॉन्स्टेंट्स बताए जाएंगे, जैसे इस केस में कॉन्स्टेंट क्या क्या हैं, ए और बी, ठीक है। फिर आपसे बोला जाएगा जो कॉन्स्टेंट हैं इन कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशंस फाइंड करना है आपको, यानी यहाँ हमें इस रिलेशन के अंदर ए एंड बी इन दोनों के डायमेंशंस बताने हैं। तो डायमेंशंस कैसे बताए जा सकते हैं, देखिए फर्स्ट आपको यहाँ से क्लियर करना होगा कि देखिए प्रेशर में उन्होंने समथिंग कुछ ऐड किया हुआ है ना, और यहाँ वॉल्यूम के अंदर से उन्होंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो मैं पीछे चलता हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को हमने सोल्व किया, तो देखिए लेंथ के अंदर आप लेंथ को ऐड कर सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई किया था, तो यू टी के डायमेंशंस क्या बने थे, l, हाफ ए टी स्क्वेयर के भी बने थे l, तो l प्लस l इक्वल्स टू l, यानी लेंथ में आप लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ की टर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी लेंथ मिलेगी। सो लेंथ के अंदर लेंथ तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ में मास ऐड हो, या लेंथ के अंदर आप टाइम को ऐड कर सको,
ये अलाउड नहीं है। देखो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेंथ की आपने टी की पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई हो कर सकते हैं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। मास में लेंथ ऐड नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों टर्म्स कम्प्लीटली अलग अलग हैं। इसी तरह से लेंथ में टाइम, लेंथ में टेम्परेचर, या टेम्परेचर के अंदर कोई भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। टेम्परेचर में हम मास को ऐड नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या था, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में अगर कुछ ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये भी प्रेशर ही होनी चाहिए, ठीक है। सो ए बाई वी स्क्वेयर के डाइमेंशंस हम कह सकते हैं किसके डाइमेंशंस जैसे होने चाहिए, प्रेशर के डाइमेंशंस जैसे, ठीक है। सो ए बाई वी स्क्वेयर, ए बाई वी स्क्वेयर के जो डाइमेंशंस है वो किसके डाइमेंशंस जैसे होंगे, प्रेशर जैसे, प्रेशर के जो डाइमेंशंस है वैसे होने चाहिए, ठीक है। अब आपको उन्होंने प्रॉब्लम में ए के डाइमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप उधर, पी मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वेयर, ठीक है। सो ए के डाइमेंशंस यहाँ से, पी इस जगह पर है प्रेशर, एंड आई होप प्रेशर के डाइमेंशंस आपको ध्यान होंगे, नहीं है तो मैं यहाँ आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। प्रेशर किसके इक्वल होगा, फोर्स बाई एरिया। सो P इक्वल्स टू, फोर्स के डाइमेंशंस याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये फोर्स के डाइमेंशंस हो गए, डिवाइडेड बाई एरिया। सो एरिया के लिए किसका यूज़ करेंगे, एल टू। तो प्रेशर के डाइमेंशंस यहाँ से क्या आएंगे, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे जब आप, तो एम, इसको न्यूमरेटर में रखिए, एल माइनस वन, क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में रखेंगे माइनस टू होगा और ये प्लस वन है तो माइनस वन बचेगा, और टी के लिए माइनस टू, ये प्रेशर के डाइमेंशंस हैं, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम के डाइमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट फॉर्मूला हुआ, ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ है, हाइट भी एक तरह की लेंथ है, तो इसके डाइमेंशंस होंगे एल थ्री। ये वैल्यूज़ यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो प्रेशर के डाइमेंशंस है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ रख लिख लेते हैं, देखिए। सो ए इक्वल्स टू, प्रेशर के डाइमेंशंस एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम के डाइमेंशंस, यहाँ वॉल्यूम है उसका स्क्वायर हुआ, तो वॉल्यूम के डाइमेंशंस है एल थ्री, उसका क्या करना है, स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ कितना होगा, सिक्स, ठीक है। अच्छा, फाइनली रिजल्ट क्या रहेगा, एम, यहाँ एल रेज टू द पावर सिक्स था, ये माइनस वन है, सो एल रेज टू द पावर फाइव और टी रेज टू द पावर माइनस टू, ये आपके पास किसके डाइमेंशंस आ गए, डाइमेंशंस ऑफ ए, ये आ गए आपके पास ए के डाइमेंशंस, ठीक है। इसी तरह से हमें किसके डाइमेंशंस फाइंड करने हैं, बी के, एंड आई होप आप जस्ट इस फार्मूले की तरफ देखकर ही मुझे बी के डाइमेंशंस बता सकते हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसके डाइमेंशंस भी किसके डाइमेंशंस जैसे होने चाहिए, वॉल्यूम, तो बी के डाइमेंशंस भी वॉल्यूम के डाइमेंशंस होंगे। सो बी के डाइमेंशंस क्या होने चाहिए, डाइमेंशंस ऑफ बी इक्वल्स टू वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम के क्या थे, एल थ्री, तो ये डाइमेंशंस हो गए बी के, ठीक है। अच्छा, और देखिए, जैसे अगर हमसे उन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, जैसे कि इस कैटेगरी के अंदर एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, इफ एक्स की जो वैल्यू है वो ए प्लस
बी टी स्क्वेयर है, ठीक है, x की वैल्यू a प्लस बी टी स्क्वेयर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर a और b के बारे में आपको बोला गया है कि a एंड b आर कॉन्स्टेंट, सो a एंड b आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, a और b कॉन्स्टेंट हैं। तो आपसे a और b के डाइमेंशंस उन्होंने पूछे हैं, और गिवन क्या है, x जो है, x, x के बारे में बोला उन्होंने कि x जो है वो डिस्टेंस है, और t है वो है टाइम, देन फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ a एंड b, सो फाइंड डाइमेंशंस ऑफ a एंड b, ये प्रॉब्लम है। कैसे सोल्व करेंगे, यू हैव वन थिंग इन योर रेस्क्यू विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसका यूज़ करेंगे आप। सो प्रिंसिपल क्या था, जितनी भी टर्म्स होंगी, वन टू थ्री, ये तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। सो x है यहाँ, x के डायमेंशंस क्या होंगे, x डिस्टेंस बताई गई है, तो x के डायमेंशंस क्या होंगे, l, क्योंकि डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है। अब इस टर्म के डायमेंशंस भी इस टर्म के इक्वल होने चाहिए, और इस टर्म के डायमेंशंस भी इसके इक्वल होने चाहिए, क्योंकि तीनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो मैं इस फैक्ट का यूज़ कर सकता हूँ कि a के जो डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होने चाहिए, x के डायमेंशंस के। सो डायमेंशंस ऑफ a, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ से। सो इस a के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे, x के डायमेंशंस के। सो x के डायमेंशंस क्या है, l है, क्योंकि वो एक तरह की लेंथ है। इसके बाद नेक्स्ट, अब x के डायमेंशंस और बी टी स्क्वेयर के डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है ना। तो क्योंकि इस टर्म के डायमेंशंस सेम है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सो x के डायमेंशंस क्या होंगे, l, और यहाँ पर बी टी स्क्वेयर के इक्वल रखेंगे जब आप उसको, तो b के डायमेंशंस तो हमें निकालने हैं, और t स्क्वेयर तो टाइम था, तो टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, t, 2, इस तरह से। अब b के डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं, तो b के डायमेंशंस फाइंड करेंगे आप, t, 2 को नीचे रखेंगे, l, t, 2, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, l, t, माइनस 2, सो ये डायमेंशंस आ गए b के लिए, और ये डायमेंशंस आ गए हैं a के लिए। एंड आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी भी फॉर्मूले की हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, ये बता सकते हैं रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके.